कलावंती दुर्ग को भारत का सबसे खतरनाक किला कहा जाता है। इस किले के टॉप तक पहुंचने के लिए हमें 80 डिग्री पे बनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो काफी दिल दहला देने वाला अनुभव होता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप कलावंती दुर्ग कैसे आ सकते हो, इस किले के टॉप तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है और क्या यह किला सच में इतना खतरनाक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और कलावंती दुर्ग को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पर हैं ये है कलावंती दुर्ग का पार्किंग पॉइंट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, हमने यहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर दी है। बाइक का चार्जेस है 30 रुपीज़ और जो कार का चार्जेस है 50 रुपया। और इस जगह से हमको कलावंती दुर्ग ठीक सामने दिखाई देता है। ये देखिए, ये है कलावंती दुर्ग, उसके बगल में है प्रबलगढ़ फोर्ट। और देखिए कितने मस्त यहाँ पर बादल है। यहाँ पर छोटी सी शॉप है, यहाँ पर हमने पोहा ऑर्डर किया है। तो ये पोहा हमारा रेडी हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर काकड़ी, नींबू पानी, पानी का बॉटल भी मिल जाएगा। तो मस्त पोहा हमने खा लिया है और ट्रैक की शुरुआत भी हमने कर ली है। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दो दोस्त आए हैं। एक तो है राजन, ये तो ऑल टाइम रहता है, और एक अपना दुर्गेश भाई, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। इनकी ख्वाहिश थी कलावंती दुर्ग जाने की, तो चलो आज इनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। आज पूरी करेंगे इसकी ख्वाहिश। चलो रेडी गाइस। यस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कलावंती दुर्ग कैसे आ सकते हो। तो कलावंती दुर्ग आने के लिए जो नज़दीक का रेलवे स्टेशन है वो है पनवेल। तो जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो बड़े आसानी से आ सकते हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर भी रहते हैं वो भी बड़े आसानी से पनवेल आ सकते हैं, क्योंकि पनवेल के लिए आपको बहुत सारी जगह से ट्रेन बड़े आसानी से मिल जाएगी। पनवेल से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है ठाकुरवाड़ी विलेज, जो कि कलावंती दुर्ग का बेस विलेज है। तो पनवेल स्टेशन से आपको बस स्टैंड पर जाना है, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी ठाकुरवाड़ी विलेज के लिए। सपोज आपको बस नहीं मिलती है तो पनवेल से आपको ऑटो मिल जाएगी। ऑटो वाला आपसे 300, 400 या 500 रुपये लेगा, जो आपको ठाकुरवाड़ी बेस विलेज छोड़ देगा। अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो तो आपको गूगल मैप पे डालना है कलावंती दुर्ग कार पार्किंग, आप जो पार्किंग पॉइंट है वहाँ पर आप बराबर पहुँच जाओगे। कलावंती दुर्ग के ट्रैक के रास्ते में आपको जगह जगह पे ऐसे मार्किंग मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये मार्किंग को आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल मिलते जाएंगे जहाँ पर आप कुछ खाने के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने प्राइस भी लिख के रख दिया है, चाय, लेमन टी, कोकोनट सिरप, बिस्लेरी, कांदा पोहा, मैगी, ये सब मिल जाएगा आपको। और एक अच्छा सा बना के रखा है यहाँ पर प्रबलगढ़, काफ़ी अच्छा लगा देख के मुझे। देखिए इन पत्थरों पर लिखा गया है प्रबलगढ़ कलावंती दुर्ग, जहाँ पर हम जाने वाले हैं आज। एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ऐसा कचरा फेंकने के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ आप कचरा यहीं पर फेंकना, कहीं बाहर भी मत फेंकना। तो ये रास्ते के बीच बीच में आपको बहुत से जगह पे ऐसे शॉर्टकट रास्ते मिलते रहेंगे, तो आप चाहे तो शॉर्टकट रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस ट्रैक को करते टाइम आपको बीच बीच में अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे। सामने हमें दिखाई दे रहा है करनाला फोर्ट, ये बिल्डिंग है पूरी, और ये है ठाकुरवाड़ी गांव जहां से हमने ट्रैक चालू किया। तो दोस्तों आपको ऐसे रास्ते में बहुत सारी जगह पर पॉइंट मिलते जाएंगे जहाँ पर आप कुछ टाइम पर रुक सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, और साथ ही साथ ढेर सारे फोटो भी ले सकते हो। बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते लेकर हम लोग पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर यहाँ पर छोटी सी दुकान है। यहाँ तक अगर आप आ गए तो आपको समझ जाना है कि आपका लगभग 40-45% ट्रैक कम्प्लीट हो गया है। और यहाँ पर एक दुकान है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये दुकान ऑल टाइम, मतलब हर दिन चालू रहती है। और ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, होटल का नाम है श्री समत कृपा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको गाइड भी मिल जाएगा, अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड भी कर देंगे आपको। और यहाँ पर हर टाइप का खाना आपको मिल जाएगा। तो बीच बीच में नींबू पानी आप पीते रहना,
इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मौसम काफ़ी सुहाना है आज का, धूप निकली है और बीच में रिमझिम बारिश हो रही है। तो अभी ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। रास्ते में हमें बजरंगबली और गणपति बाप्पा मोरिया दोनों के दर्शन करने को मिल जाते हैं। तो दर्शन जरूर करना आप और अपने ट्रेक को कंटिन्यू करना। और बोले जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, गणपति बाप्पा मोरिया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं प्रबल माची। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपको मान के चलना है कि आपका 60-65% ट्रेक कम्प्लीट हो गया है। और इस प्रबल माची से हमको कलावंतिन दुर्ग, ये देखिए सामने कलावंतिन दुर्ग के टॉप है, फिलहाल बादलों के बीच में छुपा हुआ है। और ये पूरा प्रबलगढ़ फोर्ट है और ये है प्रबल माची गाँव। गाइस ये देखिए एरोप्लेन कितना नीचे है, ये देखिए वाव। प्रबल माची में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, आपको टेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक होटल है, होटल सोम। अगर यहाँ पर आपको खाना पीना सब मिल जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लेना। तो बहुत से लोग प्रबल माची तक ही आते हैं, यहाँ पर कैंपिंग करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे कलावंतिन दुर्ग तक। तो ये देखिए यहाँ पर डाइवर्जन है, ये रास्ता यानी राइट साइड जाता है प्रबलगढ़ और लेफ्ट साइड जाता है कलावंतिन दुर्ग। और इस बैनर को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सलमान खान यहाँ पर आया है। ये देखिए गांव के लोगों ने एक फ़ोटो निकाला है सलमान खान के साथ, क्योंकि यहाँ पर बंगला है सलमान खान का पनवेल में। प्रबल माची से हम थोड़ा आगे आए हैं और प्रबल माची से रास्ता जाता है जो खिंड की तरफ जाता है, यानी कि कलावंतिन दुर्ग और प्रबलगढ़ के बीच में जो खिंड है वहाँ तक का रास्ता काफ़ी स्टीप है और हमको लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे। और एक बात बताओ कि कलावंतिन दुर्ग ट्रैक का जो रूट है काफ़ी सिंपल है, वेल मार्क है, इतना पॉपुलर है ना, ये बहुत पॉपुलर ट्रैक है महाराष्ट्र का, बाहर बाहर से लोग आते हैं इस ट्रैक को करने के लिए। तो आप बिना गाइड के आ सकते हो, सोलो भी आ सकते हो। बस खाली सोलो आते हो तो कुछ भी फालतूगिरी ना करें, एकदम रिलैक्स होकर एकदम आराम से ट्रैक को करें। गाइस झूले को भी आप एंजॉय कर सकते हो कलावंतिन दुर्ग ट्रैक में, ये फैसिलिटी भी है यहाँ पर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाली का व्यू आपको मिलेगा कलावंतिन दुर्ग में, ये देखिए। ये जरूर तो ये कलावंतिन दुर्ग का पिनाकल है, इसके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा राइट लोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा देखिए ध्यान से। ये देखिए ये है सुरंग, देखिए। और यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है इसके लिए आपको दिख रहा है, बट अंदर जाना रिस्की है क्योंकि अंदर सांप भी कुछ हो सकता है जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि अंदर ना जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस पैच पे जिस पैच का हमको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि ये वो पैच है जहाँ से कलावंतिन दुर्ग का थ्रिलिंग क्लाइंब, एडवेंचरस क्लाइंब चालू होता है। तो ये देखिए ये है कलावंतिन दुर्ग का पिनाकल, ये पूरी सीढ़ियाँ है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा सा रोप लगा है, उसके आगे 80 डिग्री एंगल पे सीढ़ियाँ हैं, पूरी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और टॉप तक यहाँ पर जाना है, जो टॉप दिख नहीं रहा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर एक शॉप है जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल अभी कोई है नहीं। तो अभी चलते हैं, क्लाइंब करते हैं। गाइस आर यू रेडी? यस। दुर्गेश रेडी? यस। दुर्गेश का फर्स्ट टाइम है कलावंतिन दुर्ग।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हो यही वो सीढ़ियाँ है जो ऑलमोस्ट 80 डिग्री के एंगल पे जो हमको क्लाइंब करनी है। कहीं पे 80 डिग्री है, कहीं पे 70 डिग्री है, कहीं पे 90 डिग्री भी है, तो काफ़ी संभल के क्लाइंब करना। स्पेशली जब आप मानसून में आते हो तो काफ़ी स्लिपरी होता है रास्ता, पानी बहता रहता है सीढ़ियों से, तो काफ़ी संभल के क्लाइंब करना। सीढ़ियों को चढ़ते समय आपको आराम से एकदम चढ़ना है, फुल एकदम ध्यान देके, देखे आराम आराम से एकदम। तो दोस्तों हम लोग फाइनली जो सीढ़ियाँ थी वो ख़त्म कर दिया हमने, मतलब काफ़ी समझ संभल के हम लोग चढ़े, आप भी संभल के चढ़ना। अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एक बना स्टॉल बन रही है, अभी यहाँ से यहाँ पर जाना है, यहाँ पर झंडा है जो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगेगा। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कलावंती दुर्ग के ऑलमोस्ट टॉप तक। ये टॉप नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए ये टॉप है, यहाँ पर झंडा है। अभी ये जो है कम से कम 15 फीट का ये रॉक पैच है, इसको क्लाइंब करना है। यहाँ पे दो रस्सी यहाँ पर दिख रहा है, उसको पकड़ के क्लाइंब करेंगे। और ये देखिए सामने का नज़ारा, इस साइड पूरा धूप है और इस साइड पूरा फॉगी फॉगी है। ये सामने है प्रबलगढ़, और ये देखिए पूरा फॉगी फॉगी, सामने पूरा माथेरान माउंटेन रेंज है। ये जो फाइनल पैच है जो 15 फीट के आसपास है, इसको क्लाइंब करने के लिए दो रस्सी है जो गांव वालों ने डाल के रखा है, ताकि हम बड़े आसानी से ऊपर पहुंच पाए। तो 30 रुपये आपको पर पर्सन पे करना पड़ता है। तो चलो चलते ऊपर। तो यहाँ पर एक गाइड आपको जो है यहाँ पर खड़े अंकल जी गाइड करेंगे आपको कि कहाँ पर पैर कहाँ पर रखना है, पत्थर मतलब कहाँ पर करना है, दोनों हाथ से क्या पकड़ना है, सब ऐसा आपको फॉलो करना है, वो आपको बराबर बता देंगे। और ये जो पैच है ना, ये वाला पैच ही थोड़ा ये रिस्की है, उसके आगे तो मतलब प्रॉपर ग्रिप है। सो ये आप देख सकते हैं सबसे खतरनाक पैच चढ़ते हुए विदुर भाई। और विदुर हाउ इज द एक्सपीरियंस? बहुत ही थरा रखता है, थोड़ा डर भी लग रहा है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आपको गाइड जैसा बताएंगे वही फॉलो करना है आपको, गाइड को फॉलो करना है आपको, और आप आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे। या मजा आ गया। तो दोस्तों फाइनली दोस्त थ्रिल वाला जो क्लाइंब था 15 फीट का हमने कम्प्लीट कर लिया, काफ़ी मज़ा आया। दुर्गेश भाई कैसा लगा? मजा दुर्गेश भाई बहुत डर गए थे। तो अभी हम लोग को
कलावंती दुर्ग के टॉप तक यानी बेस विलेज से आने को लगभग 3 घंटे लगे, 3-3.5 घंटे, क्योंकि हमने ड्रोन शॉट लिया, बाद में बहुत रिकॉर्डिंग भी किया, तो आपको नॉर्मली 2.5-3 घंटे लग जाएंगे टॉप तक पहुंचने के लिए। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पर स्टैचू है, उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, मज़ा आएगा। आप तो ये रही छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा और इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 2021। देखिए काफी खूबसूरत प्रतिमा है। ये देखिए दोस्तों, पूरा फॉग ही फॉग आपको अभी दिख रहा होगा। अभी जस्ट हमने ड्रोन फ्लाई किया था तब एकदम मस्त माहौल था, अभी देखिए सब जगह कोहरा ही कोहरा। ये देखिए दुर्गेश भाई, देखिए वाह क्या पोज दिए, सही है सही है सही है। मौसम यहाँ पर कभी भी बदलते रहता है। कलावंती दुर्ग के टॉप से हमें ढेर सारे और भी पीक्स या फोर्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सामने आपको दिख रहा है, ये है मलंगगढ़, उसके बगल में है तावली, फिर यहाँ पर है चंदेरी और है महेशमल, और इस साइड है माथेरान, और यहाँ पर अभी बादलों के बीच में छिपा है वो है पेप फोर्ट, और यहाँ पर नाखिंद रेंज भी है। दोस्तों कैसा था एक्सपीरियंस? मजा आ गया बहुत ज़्यादा। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय फ्रॉम कलावंती दुर्ग।